वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो है चेन रूल पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो है इसको जो है चेन रूल को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में भी हम लोग चेन रूल ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि मान लीजिए टैन इनवर्स एक्स रहे, इनवर्स फंक्शन जो बताया गया था डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए डिफरेंशिएशन करना है टेन इनवर्स अगर कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेन इनवर्स एफ एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स मान लीजिए कॉस एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएशन जब करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स कॉस एक्स, ये टोटल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तब ना इतना आया, तो यहाँ पर एक्स जब कॉस एक्स है, आप फिर डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में। अब टेन इनवर्स एक्स जो होता है, इसका डिफरेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स जगह पर तो कॉस है, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हुआ कि हम लोग फार्मा पर रह करके किए, डायरेक्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए टेन इनवर्स साइन एक्स है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन बाई आ एक्स यहाँ पर थोड़ा है, सिर्फ यहाँ पर साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, उसके बाद इस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, बस हो गया, यही हमारा डिफरेंशिएशन। मान लीजिए डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स मान लीजिए लॉग एक्स का है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स नहीं है बल्कि ई है, एक्स जो पर लॉग एक्स है, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स, यानी फाइनली हम कह सकते हैं वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस लॉग एक्स का स्क्वायर। और भी हम लोग देखते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो टेन इनवर्स है, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन बाई वन प्लस एक्स जो पर है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि दोनों फंक्शन गुणा में है, दोनों फंक्शन गुणा में है, तो देखिए ए ओ को बाहर करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे, आ डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स को करेंगे, अब प्लस का साइन मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अब e के पावर माइनस एक्स को बाहर करेंगे आ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर फोर e के पावर माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन,
ई के पावर माइनस एक्स, लेकिन इस माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से ही। उसके बाद ई के पावर माइनस एक्स आई का डिफरेंस हो जाएगा 2x। फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई के पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स पावर 4 ई के पावर माइनस 2x। आंसर हाँ, एक पावर फार्मूला जब पढ़े थे उसमें पार्टिकुलर केस पढ़े थे कि 1 बाई एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस 1 बाई एन एक्स के पावर n प्लस 1। अब इस पर थोड़ा हम देखते हैं, चेन रूल पर लगाते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5x प्लस 2 बी दे देते हैं सी आइस के पावर मान लीजिए कि 5 है, आइस को डिफरेंशिएट करना। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये टोटल को हम एक्स मान लीजिए, एक्स तो हो जाएगा 1 बाई एक्स पावर एन, फॉर्मूला को आता है माइनस एन, तो एन के जगह पर 5 है माइनस 5 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पावर एक बढ़ जा रहा है 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, अब बी कांस्टेंट है बाहर आ एक्स डिफरेंशिएशन 1, आ सी कांस्टेंट है इसका डिफरेंस हो जाएगा 0, यानी फाइनली हो जाएगा माइनस 5 टू ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल पावर 6। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। मान लीजिए और भी देखते हैं, डिफरेंशिएशन करना है 1 बाई एक्स क्यू प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9, इसके पावर में मान लीजिए 9 है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो फिर ये टोटल को एक्स मान लीजिए तो एक्स के पावर 9 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर रखेंगे माइनस 9 गुना में ये टोटल लिखिए, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 पावर जो है एक बढ़ जाएगा यानी 10। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 10x आई 9 है कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा माइनस नाइन 3x स्क्वायर प्लस 10x बाई एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 पावर 10, यही हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है 1 बाई लॉग एक्स के पावर में मान लीजिए कि 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसमें क्या करेंगे देखिए, ये टोटल को हम एक्स मान लेंगे तो 1 बाई एक्स के पावर 4 हो जाएगा, फिर इस पर आएंगे माइनस 4 बाई लॉग एक्स का पावर एक बढ़ जाएगा, हो जाएगा 5, आ फिर ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस 4 बाई एक्स लॉग एक्स होल टू द पावर 5 आंसर। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है ये होता है 1 बाई एक्स। वैसा ही देखिए अगर डिफरेंशिएशन करना है लॉग साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो करेंगे एक बार थोड़ा फुल फॉर्म पर लिख दे रहे हैं यानी चेन रूल पर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, आ फिर
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लॉग का डिफरेंशिएशन तो वन बाई एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स थोड़ा है, यहाँ पर तो साइन एक्स है, साइन एक्स करेंगे आई साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, यानी ई हो जाएगा कॉट एक्स, यानी लॉग साइन एक्स का डिफरेंस हो जाएगा कॉट एक्स। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है लॉग लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले इस लॉग को डिफरेंशिएट कीजिए, इस लॉग को, तो इस लॉग को कीजिए, गुना में नहीं है, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ई लॉग है, तो इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई हो जाएगा लॉग एक्स, काहे कि इसका आर्ग्यूमेंट यानी लॉग एक्स है, इस एक्स जगह पर ई है, तो हो जाएगा वन बाई लॉग एक्स, और फिर इस लॉग को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वन बाई एक्स, यानी हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक्स इंटू वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। मान लीजिए डिफरेंशिएट करना है लॉग एक्स स्क्वायर इंटू इंटू फाइव की पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जांपल तो वन बाई एक्स स्क्वायर फाइव पावर एक्स, उसके बाद इस दोनों फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों फंक्शन गुना के रूप में डायरेक्ट इसको भी करते हैं, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा करके एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं और फाइव के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो फाइव के पावर एक्स यानी ए का पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए का पावर एक्स आ एल एन ए, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फाइव के पावर एक्स एल एन फाइव प्लस, और फाइव के पावर एक्स को बाहर करेंगे आ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स, यानी फाइनली हम चाहें आंसर लिखने के लिए तो फाइव, यहाँ पर आप फाइव के पावर एक्स इंटू एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक एक्स स्क्वायर से एक्स तो एक बाहर निकल गया है, यहाँ पर एल एन फाइव बन जाएगा, फाइव के पावर एक्स निकल गया है और यहाँ पर बन जाएगा टू एक्स निकल गया फाइव के पावर एक्स, अब बाटा में एक्स स्क्वायर फाइव के पावर एक्स, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हम जानते हैं कि ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है ये हो जाता है ए का पावर एक्स आ एल एन ए, तो जैसे कि अब जैसे कि दो का पावर एक्स है टू डी का पावर एक्स, ये हो जाएगा टू का पावर एक्स एल एन टू, लेकिन चेन रूल पर इसको लगाते हैं दो का पावर साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट अगर करें तो क्या होगा, तो पहले आई ए मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू पावर साइन एक्स डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए दो का पावर एक्स आई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो टू का पावर एक्स आई एल एन टू, तो यहाँ पर साइन एक्स है पावर में, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो टू का पावर साइन एक्स एल एन टू आई साइन का डिफरेंस हो जाएगा कॉस एक्स, यही हो जाएगा आंसर। मान लीजिए ई के पावर टैन इनवर्स एक्स, तो आप जानते हैं कि ई के पावर जैसे एक्स है इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ई के पावर एक्स होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर और टेन इनवर्स एक्स, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर साइन थ्री टू एक्स प्लस फाइव, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए पहले e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि e के पावर x होता है, तो लिख देंगे e के पावर साइन
क्यू। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, इसलिए जगह चाहिए। इसको ध्यान से देख लीजिए, हाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हो जाएगा पहले e के पावर साइन क्यू टू एक्स प्लस फाइव इंटू साइन क्यू है तो पहले पावर का काम करते हैं तो थ्री साइन स्क्वायर पावर फॉर्मूला टू एक्स प्लस फाइव इंटू अब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी तो पावर का काम की साइन का डिफरेंस हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस फाइव। अब कॉस का डिफरेंशन हो गया तो टू एक्स प्लस फाइव को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स टू कॉन्स्टेंट हो गया एक्स डिफरेंशन वन आ फाइव हो गया कॉन्स्टेंट तो इसका डिफरेंशन हो जाएगा जीरो। यानी हो जाएगा हम लोगों का आंसर टू इंटू कॉस टू एक्स प्लस फाइव। आ देखिए टू टू यहाँ पर सिक्स लिख सकते हैं टू इंटू थ्री आ साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव इंटू ई के पावर साइन क्यू टू एक्स प्लस फाइव। यही हम लोगों का फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चेन रूल जो है समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं आपसे। तो इस पर जितना से जितना क्वेश्चन बना सकते हैं उसको बनाइए, हम फोटो खींच के ग्रुप में डालेंगे क्वेश्चन का, उसको बनाइएगा और जो बनेगा या नहीं बनेगा उस पर कमेंट कीजिएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन कुछ लिखा गया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन नंबर वन लेट वाई मान लेंगे इसको सुविधा के लिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर आ कॉट एक्स बाई एक्स है प्लस में, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डिफरेंशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अलग अलग ही कर दे देते हैं आप प्लस है तो प्लस डिफरेंशन ऑफ कॉट एक्स बाई एक्स। अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर रूट एक्स, रूट एक्स का डिफरेंस तो वन बाई टू रूट एक्स होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है तो ये भी हो जाएगा वन बाई टू आर रूट, यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद ये रूट का काम हो गया, बाकी रह गया रूट के अंदर के जो व्यंजक है तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो आ एक्स स्क्वायर है यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस प्लस। देखिए अब यू बाई वी वाला नियम लगा जाएगा यहाँ पर तो नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है आ एक्स आ कॉट का डिफरेंस हो जाता है माइनस कॉसिक, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाता है माइनस और कॉट एक्स को हम गुना में रखेंगे आ एक्स का डिफरेंशन करेंगे तो जो वन होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस यहाँ पर भी आ रहा है माइनस यहाँ पर तो माइनस कॉमन आ सकता है तो एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स, माइनस कॉमन आ गया है अब बाटा में एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर दो लेट y इक्वल टू रूट एक्स इंटू टैन लॉग रूट एक्स। हाँ देखा जाए इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर जो टैन का एंगल है लॉग लॉग रूट एक्स है और लॉग का आर्ग्यूमेंट रूट एक्स है। अब देखिए दोनों फंक्शन दो फंक्शन जो है गुना के रूप में है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन लॉग रूट एक्स। अब देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, नियम कहता है एगो फंक्शन को बाहर रखिए
रूट एक्स को बाहर रखे और टैन लॉग रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं डीएक्स डीएक्स प्लस अब टैन लॉग रूट एक्स एक ही फंक्शन है संयुक्त फलन है आ इंटू यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन जब गुणा के रूप में होता है और उसको डिफरेंशिएट करना होता है तो एक को बाहर दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं प्लस का साइन देते हैं उसके बाद जिसको डिफरेंशिएट किए हैं उसको बाहर और जिसको बाहर रखे थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो रूट एक्स गुना में है और टेन टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर जो है यहाँ पर एंगल इसका वहीं लिख दीजिए लॉग रूट एक्स। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुआ टेन का हो गया लॉग का डिफरेंस होता है वन बाई एक्स ये हो जाएगा वन बाई रूट एक्स हो जाएगा उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशन हो जाएगा तो रूट एक्स का डिफरेंशन वन बाई टू रूट एक्स अब प्लस टेन टेन लॉग रूट एक्स ये तो गुना में है आ यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशन जो हो जाता है वन बाई टू रूट एक्स हो गया। अब लास्ट में देखिए एक्स जो होता है ना जो ये भी डिफरेंशिएट होता है लास्ट में लेकिन एक्स का डिफरेंशन क्या होता है वन होता है इसलिए हम एक्स को छोड़ देते हैं। यानी अब यहाँ पर जो देखिए अगर देखा जाए तो एक से कोई कटिए जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर लॉग रूट एक्स बाय टू रूट एक्स प्लस वन बाय टू रूट एक्स यहाँ पर है टेन लॉग रूट एक्स। अब देखिए दोनों का हर सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन लेट लेट वाई इक्वल टू वन बाय रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इस रूट का जो ऑर्डर है थ्री है प्लस कॉस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे देखिए पावर फॉर्मूला पर हम ला सकते हैं कि यहाँ पर जो अगर एक्स रहे और यहाँ पर थ्री रहे इसका वैल्यू एक्स के पावर में वन बाई थ्री हो जाएगा वैसा ही हो जाएगा डिफरेंशिएट जब करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं। आ देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा वन बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ इसके पावर में हो जाएगा वन बाई थ्री वन बाई थ्री प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट। अब देखिए इसको पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं वन बाई एक्स के पावर एन है इसका डिफरेंशिएशन माइनस एन बाई एक्स के पावर एन प्लस वन हो जाता है ऐसे ही इसको भी करेंगे हम लोग ऐसे करेंगे ये हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री एन के जगह पर क्या हो गया है वन बाई थ्री और यहाँ पर हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन और वन बाई थ्री प्लस वन ये तो पावर का काम हुआ लेकिन कोस्ट के अंदर में देख रहे हैं जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशन करेंगे ये हो जाएगा एट एक्स वन का डिफरेंस हो जाएगा जीरो यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन तो यहीं पर दे देते हैं माइनस साइन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट लेकिन ये सिर्फ कॉस का डिफरेंशन हुआ। अब इसमें जो एंगल है सिर्फ एक्स थोड़ा है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट है इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा टेन एक्स एट का डिफरेंस हो जाएगा जीरो। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो माइनस वन बाई
फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ तीन हो जाएगा, चार बटा तीन हो जाएगा। आ यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाई एट एक्स माइनस एट एक्स, कैलकुलेशन देख लिया जाए, कैलकुलेशन जो हो जाएगा यहाँ पर तीन रहेगा, ये तीन ये हो जाएगा माइनस माइनस टेन एक्स और साइन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट। हमको सिर्फ डिफरेंशन करना है, कैलकुलेशन आप भी उसको ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं मिस हो जाता है, छूट जाता है, तो इसको देख लीजिए। डिफरेंशन करना है इस फंक्शन का, यानी जब तक ले x तक न जाए ना तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए। जो भी आपको फंक्शन दिख रहा है उसको शुरू से डिफरेंशिएट करते जाइए, लास्ट तक x तक डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशन ऑफ e के पावर x इंटू साइन इनवर्स ए एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए दो को फंक्शन जो है गुणा के रूप में है, एगो ई है एगो ई है, तो e के पावर ए एक्स ए को बाहर करते हैं और दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स प्लस साइन इनवर्स ए एक्स और डिफरेंशिएट कर रहे हैं e के पावर ए एक्स का, तो e के पावर ए एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स होता तो उसका डिफरेंशन याद कीजिए वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वन बाई वन माइनस रूट अंडर है यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यही ना होगा, और उसके बाद ए एक्स का डिफरेंशन ए हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशन वन हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स ए एक्स तो गुना में है, ई के पावर ए एक्स का डिफरेंशन ई के पावर एक्स कर लेंगे और फिर ए एक्स का डिफरेंशन ए हो जाएगा, यानी फाइनली देखा जाए ई के पावर एक्स ए ई के पावर एक्स ए यहाँ पर भी है, तो ए या ई के पावर ए एक्स को कॉमन निकाल दिया जाए तो वन बाई वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट अंडर प्लस साइन इनवर्स ए एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही जो है आंसर हो जाएगा। एक कोस्ट हो गया है, इसको हटाइए। हाँ, पांच नंबर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशन ऑफ ई के पावर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ये दूगो फंक्शन गुणा में है तो ई के पावर रूट एक्स को बाहर कर देते हैं और साइन रूट एक्स का डिफरेंशन कर लेते हैं और फिर बदल लेते हैं इसको, यानी साइन रूट एक्स को बाहर आ ई के पावर रूट एक्स है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ई के पावर रूट एक्स तो गुना में ही रहेगा, साइन का डिफरेंशन कितना होता है कॉस होता है, तो यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिए, उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशन जानते हैं वन बाई टू रूट एक्स होता है प्लस, अब साइन जो है रूट एक्स गुना में रहेगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशन ई के पावर एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा और उसके बाद रूट एक्स का भी डिफरेंशन हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स। अगर ई के पावर रूट एक्स बाई टू रूट एक्स को कॉमन निकाल लिया जाए, देखिए यहाँ पर है यहाँ पर भी है यहाँ पर, तो बच जाएगा कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स, यही हो जाएगा आंसर। और छः नंबर क्वेश्चन जो है उसको बना लेना है, अब चेन रूल जो है ख़त्म हो गया, देखिए चेन रूल कुछ अलग से नहीं है, जितना भी हम लोग फंडामेंटल फार्मूला पढ़े थे उसी पर है,
फंक्शन का फंक्शन, जितना भी फंक्शन रहेगा मिला हुआ उसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, शुरू से देखेंगे कौन कौन फंक्शन है। अब इस पर आधारित जो है एनसीईआरटी 12 का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लेना है, 9-10 छोड़ देना है, वो डिफ्रेंशिएबिलिटी है। 5.1 को अभी नहीं बनाना है, काहे कि वो कंटिन्यूटी है, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। और 5.2 बना लेने के बाद 5.3 है उसको छोड़ना है, 4 को फिर बना लेना है, 4 में चेन रूल है। तो 5.3 हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एल हॉस्पिटल रूल चलेंगे, यानी लिमिट का एक वीडियो हम लोग फिर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइव यानी एनसीईआरटी 12 के फर्स्ट वॉल्यूम एनसीईआरटी का जो है 5.2 और 5.4 बना लेना है, और उम्मीद करेंगे आप बना लीजिएगा, और उसमें जो दिक्कत होगा उसको पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज करके उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद।